हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ डिजाइनर स्टाइलिश स्लीवलेस कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग। लॉन्ग कुर्ती है, आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने अलग से इसको स्टिच किया है। आर्मोर पे पट्टी कैसे लगाई है और ये वी नेक का गला है, फ्रंट से बैक से दोनों। तो इस टाइप की सूट की कटिंग और स्टिचिंग पूरा बताने वाली हूँ, तो अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी सी फिटिंग आई थी, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। तो आपको वीडियो के एंड में इसका फाइनल लुक भी देखने को मिल जाएगा, किस तरीके से स्टिच किया है सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। यहाँ से मैंने अलग कपड़ा जोड़ा हुआ है, ये आर्मोल पे अलग कलर की पट्टी लगाई है, गला पट्टी वी नेक में कैसे लगाना चाहिए सब कुछ बताया हुआ है। और आप लोग को मेरी स्टिचिंग की वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का दिल से। कितना भी धन्यवाद बोलूँ तो कम है। तो आप लोग मेरी और भी वीडियो ऐसी पसंद कीजिए। और मेरी ब्लॉगिंग वीडियो है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, वहाँ पर मैं ब्लॉगिंग वीडियो और कॉमेडी वीडियो डालते रहती हूँ अपने बेटे के साथ, तो आप ज़रूर देखिएगा वो वाला चैनल भी जाके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। और चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा। तो और लाइक ज़रूर कर देना, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो। तो चलिए फ्रेंड्स कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे नाइटी से ये ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो नाइटी का जो ऊपर का हिस्सा होता है, चुन्नटें दी होती हैं गले में, उसको कट कर लेना है। इस तरीके से कट करके इसकी चुन्नट खुल जाएंगी और ये अच्छे से पूरा कपड़ा बराबर में आ जाएगा। तो इसको यहाँ से पाइपिंग थी उसको भी कट कर लेते हैं बैक वाले पल्ले में। तो ये कट हो गया है, अब इसको पूरा ओपन करेंगे अच्छे से। और इसको डबल फोल्ड, तो ये है फोर लेयर में, इसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। बहुत ही प्यारा कुर्ती लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने नाइटी से बनाया हो, आप कहीं पहन के इसको जा भी सकते हो मार्केटिंग वगैरह करने के लिए। तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे पहले। अब अपने साइज के हिसाब से जितनी लेंथ रखनी है सूट की और जो चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से आप निशान लगाओगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए पूरा कटिंग, कटिंग समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको आगे की स्टिचिंग वगैरह समझ में आती है। तो मैंने यहाँ पे लंबाई रख लिया है 44 इंच का लंबाई रखा है सूट का। उसके बाद से जो हमारा जॉइंट वाला हिस्सा है वहाँ से 2.5 इंच चौड़ाई लेनी है गले की, 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद से 3 इंच पे शोल्डर की चौड़ाई रखनी है, ओके इस तरीके से। उसके बाद से 6 इंच पे आपको रखनी है आर्म होल्स की लंबाई। और यहाँ से जितना आपका छाती का साइज होगा, जैसे 34 है तो 8.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। और यहाँ से शोल्डर के पास से कमर तक आपको 14 इंच पे एक निशान लगाना है। और फिर आर्म होल्स का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ से फिर 14 इंच पे एक निशान लगाना है, ओके। इस तरीके से ही आपको सिंपल सूट की भी कटिंग करनी है। और यहाँ से लेना है आपको 1.5 इंच आर्म होल्स की गोलाई के लिए, और इसमें गोलाई लगा देनी है, ओके। और जो हमने निशान लगाया था यहाँ से आपका जो छाती का साइज है और यहाँ पे जो आपके कमर के यानी कि पेट के पास का जो साइज है वो यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे जो आपके हिप का साइज है वो लगा देंगे। तो 34 और 34 30 और 34, तो यहाँ पर हमने 7.5 इंच लिया है, ओके। 7.5 इंच पेट के पास, 8.5 इंच छाती के लिए और 8.5 इंच हिप के लिए, और इस तरीके से निशान लगा देंगे। और ये जो निशान लगा है ये आपकी फिटिंग है, इसको कट नहीं करना है। ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके फिर से निशान लगाएंगे, इसको कट करना है, क्योंकि फिटिंग वाला निशान आपको कट नहीं करना है। ये जो बाहर निशान लगाया है वो कट करना है, और बाहर का जो निशान लगा है उसी के निशान के साथ इसको स्ट्रेट कट कर देना है कपड़े को। तो चलिए इसको कट करके फिर दिखाती हूँ मैं। तो इस तरीके से निशान लगा लिया मैंने, अभी चलिए कट कर लेते हैं, उसके बाद से आगे की कटिंग बताती हूँ। तो जैसे जैसे निशान लगाया हुआ है वैसे वैसे कट कर देंगे। ये शोल्डर हमारा हो गया, शोल्डर की कटिंग हो गई, ये आर्म होल्स की कटिंग हो गई, और ये हमारी फिटिंग की कटिंग हो गई। देख सकते हो मैंने बाहर वाला निशान कट किया, अंदर वाला निशान नहीं कट करना, नहीं तो आपका पूरा सूट की कटिंग स्टिचिंग बिगड़ जाएगी। जब आप स्टिचिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा फिटिंग हो जाएगी और वो बिगड़ जाएगी। तो इस तरीके से कट कर लिया है, और नीचे से एक बार इसको बराबर कर लेते हैं, ओके।
इस तरीके से कट करने के बाद से जो हमने यहाँ पे कमर की जो हिप की कटिंग की थी वहाँ पे इस तरीके से कट कर देंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको सूट की फिटिंग कहाँ तक रखनी है। अब उसके बाद से हमारी बारी आती है गले की कटिंग करने के लिए। तो दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि आगे पीछे का गला हम लोग को बड़ा छोटा करना है। तो यहाँ से मैंने 6 इंच लिया है आगे वाले गले के लिए, और वी गला ही कट करेंगे। तो इस तरीके से वी गला इसको निशान लगा देंगे और इसको कट कर देंगे। मैं यहाँ पे एक साथ ही कटिंग कर रही हूँ, आप चाहो तो अलग अलग करके भी कटिंग कर सकते हो। मैंने इसको बाद में बड़ा किया है पीछे वाले गले को। तो ये देखिए, यहाँ से 2 इंच नीचे एक निशान लगा के इसको इस तरीके से कट कर देंगे। यहाँ पे हमको अलग से कपड़ा जोड़ना है, इससे आपकी फिनिशिंग, जैसे ऊपर का आपको पतला रखना है और आप चाहते हो कि आपका आर्महोल दिखे ना, अंडरआर्म दिखे ना, तो आप इस तरीके से कट करके स्टिच करोगे तो आपका अंडरआर्म भी नहीं दिखेगा और कुर्ती भी पतली स्लीव वाली अच्छी सी दिखेगी, पतली शोल्डर वाली। तो यहाँ से गला पट्टी निकाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा लंबा निकाल रही हूँ क्योंकि बैक वाला पल्ला लंबा रखना है इसलिए। तो यहाँ से जैसे जैसे आपके गले का निशान है वैसे वैसे निशान लगा के और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगा के इस तरीके से कट कर लेना है। तो ये हो गया, अब बैक बाहर वाला निशान भी इसी तरीके से कट कर देना है। उसके बाद इनको अलग अलग कर लेना है। ओके, तो इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से कट हुआ है। तो ये देखिए, इस तरीके से वी गला के लिए गला पट्टी हमारी निकल चुकी है। वो आगे का था, ये पीछे का हो गया। ओके, आगे क्या करना है वो भी देख लीजिए। एक एक गला पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे, ये हमारे आगे वाले पल्ले में लगाना है, और ये जो लॉन्ग वाला है इसको पीछे वाले पल्ले में लगाना है। तो बैक वाले पल्ले की का गले का बड़ा कर देंगे हम लोग। तो बड़ा करने के लिए कैसे करना है, जो हमने गला पट्टी निकाली है इस तरीके से फोल्ड कर लिया है यहाँ पे। ओके, उसके बाद से जो गला पट्टी निकाली है उसको यहाँ पे रखेंगे इसके ऊपर। जो बड़ा वाला गला पट्टी है उसको रखना है, क्योंकि पीछे का पल्ले का गला हमको बड़ा करना है, आगे वाला हमारा छोटा ही रहेगा। तो ऐसे रख दिया यहाँ पे, और जितना भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे इस तरीके से निशान लगा के। तो इस तरीके से आपका पीछे का गला बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से पूरा सूट की कटिंग हमारी हो चुकी है, और अभी जो ये कपड़ा बचा हुआ है ये अलग कलर वाला, इसी को निकालेंगे हम लोग शोल्डर पे जॉइंट करने के लिए। तो यहाँ से इस तरीके से 4 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई ले लेंगे, क्योंकि डबल करेंगे तो 3 इंच पे आ जाएगा, और हमारे शोल्डर की चौड़ाई भी 3 इंच पे है। तो ये देखिए, यहाँ से 6 इंच चौड़ाई ले लेंगे और ये हमारी लंबाई है, इसको कट कर लेंगे। वैसे मैंने बाद में इसको दोबारा से कट किया है, क्योंकि मुझे ब्लू कलर का कपड़ा ऊपर नहीं लगाना है, साइड वाला ही लगाना है। तो आप देख लीजिएगा स्टिचिंग करते टाइम, आपको अच्छे से देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिल के और इसको पलट लेंगे, और उसके बाद से शोल्डर में इतना ही कपड़ा ज्वाइन करना है, ज़्यादा कपड़ा ज्वाइंट नहीं करना है। तो चलिए, पूरे सूट की कटिंग तो हमारी हो गई, अभी चलते हैं सिलाई करने के लिए। तो ये हम यहाँ पे आ गए हैं सिलाई करने के लिए। तो इस तरीके से गला पट्टी जो है उसको अंदर की बाहर ऊपर सीधे की तरफ से लगा के अंदर की तरफ पलट देंगे। इस पर हम इस वाले वीडियो में मैं ऊपर की तरफ से पलटने के लिए नहीं बता रही हूँ, और अगर आपको ऊपर से पलटना सीखना है तो आप मेरी और अदर वीडियो चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने पट्टी को ऊपर की तरफ से कैसे लगाएं वो भी बताया हुआ है। तो इस तरीके से सिलने के बाद से जो हमारा नोक वाला जो हिस्सा है ना उसको कट करना है, यहाँ पे जहाँ तक सिलाई है वहाँ तक इसको इस तरीके से कट कर देना है।
और इसको अंदर की तरफ से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर चाप सिलाई चला लेंगे। चाप सिलाई मतलब एकदम कोर पे चला लेना है ताकि जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो वो अच्छे से फिनिशिंग बैठ जाए। तो यहाँ पे ऊपर से हमने सिलाई चला ली है और ये इस तरीके का वी नेक तैयार हो गया हमारा। अब दूसरे वाले पल्ले में भी इसी तरीके से जॉइंट करके इसको भी अंदर की तरफ से फोल्ड करके और ये हमारा दोनों पल्ला रेडी हो चुका है। और अभी क्या करना है हमको, जो हमारा आर्म होल्स है उसके लिए मैंने इस तरीके की पट्टी कट की है 1.5-2 इंच चौड़ाई, इसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से इस पर सिलाई चला लेंगे। ओके, सिलाई चलाने के बाद से आपको अगर लगे कि कपड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप इसको कट कर लीजिए और यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा हो उसको सिलाई तक, सिलाई से एक पॉइंट तक छोड़ के कट कर लीजिए ताकि आप जब कपड़ा पलटोगे ऊपर की तरफ जो पट्टी पलटते हैं तो जो बेकार कपड़ा स्टिच किया हुआ कपड़ा बाहर की तरफ दिखाई ना दे, इसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके इस तरीके से आर्म होल्स में आपको पट्टी लगानी है। तो आई होप जो भी मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम आर्म होल्स में पट्टी कैसे लगाएं, उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आप फुल आर्म होल्स में भी पट्टी लगा सकते हो, जैसे आपका शोल्डर जॉइंट हो गया है उसके बाद से जो पट्टी लगानी होती है उसके लिए। तो ये मैंने इस तरीके का कपड़ा कट कर लिया है और इसको सिल के पलट लूँगी। वो वाला कपड़ा जो हमने कट किया था उसको शोल्डर में जॉइंट नहीं करेंगे, इस वाले कपड़े को जॉइंट करेंगे। तो इसको कट कर लिया, अब इसको इस तरीके से पलट लेंगे और इसको शोल्डर में जॉइंट करेंगे। तो कैसे जोड़ना है वो भी देख लीजिए आप। तो ये हमारा शोल्डर है और ये देखिए इसको यहाँ पे जॉइंट करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा शोल्डर है सूट का वो थोड़ा चौड़ा है, तो इस तरीके से एक प्लेट लगा देंगे, मतलब एक चून डाल देंगे और इस तरीके से इस पर जो सिलाई चला देंगे। ओके, सिलाई चलाने के बाद फिर ऊपर की तरफ से कपड़े को करके और एक सिलाई और चला लेंगे ताकि जो अंदर का कपड़ा है वो फिनिशिंग बैठ जाए और बाहर की तरफ इधर उधर से निकले ना। इस तरीके से करके ऊपर की तरफ से एक और सिलाई चला देंगे। ओके, तो इसी वाले पल्ले में दूसरी साइड में पहले इसको बराबर नाप के और कट कर लेंगे बीच से, और जो ये कट हुआ है इसको दूसरी साइड इसी वाले पल्ले में इस साइड में जॉइंट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी जोड़ लेते हैं। जो हमारा सूट का कपड़ा है शोल्डर है उसमें एक प्लेट लगानी है एक चुन्नट, उसके बाद इसको ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पे सिलाई चला देंगे। ओके, और अभी दूसरा वाला पल्ला लेंगे और इसके ऊपर वाले हिस्से पे जॉइंट कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से सीधी तरफ से यहाँ पे। तो चलिए जोड़ के दिखा देते हैं। ये दोनों हमने जोड़ लिया है, अभी फिटिंग का अच्छे से फिटिंग का निशान लगा लीजिए और फिटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा के दोनों साइड से फिटिंग कर दिया है, जहाँ पे हमने कट किया था वहाँ तक। निशान लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी छाती का साइज़ ले लो जितना है उतना यहाँ पे, और कम पेट जितना है उतना यहाँ पे, और हिप जितना है उतना यहाँ पे लगा के इस तरीके से दोनों साइड से निशान लगा के उस निशान के ऊपर आप सिलाई चला दो तो आपकी फिटिंग परफेक्ट आ जाएगी। अभी बारी आती है नीचे के कपड़े को फोल्ड करने की। तो फोल्ड करने के बाद से फ्रंट का लुक कुछ ऐसा है, ये हमारा शोल्डर है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से पसंद आ रहा होगा। अभी मैंने इसको पहन के भी दिखाया हुआ, तो देख लीजिए वीडियो पूरा एंड तक। और ये बैक का है, इस तरीके से बैक का लुक दिखा है और इसे इसको मैंने पहना हुआ है तो ये इस तरीके का लग रहा है। चलिए दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पहना हुआ है वाइट प्लाजो के साथ, और ये फ्रंट का लुक है और ये बैक का है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और भी कोई डिमांड हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस तरीके की कुर्ती आप लोग भी सिल के और पहन सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए गाइस, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाय।